हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम चार पिकनिक ब्लाउज के डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। बट उसके पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए गाइस, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई 13.5 लिया है। शोल्डर और आर्म होल दोनों मैंने 5.5 लिया है। ब्लाउज का चेस्ट का चौड़ाई मैंने यहाँ पे 10 इंच लिया है और कमर का चौड़ाई मैंने यहाँ पे 9.5 इंच लिया है। मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ और गले की लंबाई मैं यहाँ पे 10.5 इंच ले रही हूँ और यहाँ से भी मैं 3 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना लूंगी। अब गाइज, इस पर मैं डिजाइन बनाऊंगी। तो देखिए गाइज, मैं इस पर किस तरह का डिजाइन बना रही हूँ। अगर आपका डिजाइन एक बार में ना आए तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। उसके बाद गाइस, हम इस तरह के एक पेपर पेस्टिंग लेके इसको डबल फोल्ड करके डिजाइन के ऊपर रख लेंगे। इस तरह से हमारा डिजाइन पेपर पेस्टिंग पे दिखने लगेगा और उसके बाद सेम डिजाइन हम इस पर भी ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, अब मैं इसको अच्छे से कटिंग कर लूंगी। तो देखिए गाइस, मैंने इसको बहुत ही अच्छे से कटिंग कर लिया है। अब चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ।
देखिए गाइज, हमारा पहला ब्लाउज का डिजाइन बन के एकदम कम्प्लीट हो चुका है। तो चलिए गाइज, अब हम दूसरा ब्लाउज का डिजाइन बनाना सीखेंगे। तो देखिए गाइज, मैंने यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई 13.5 लिया है। शोल्डर और आर्महोल दोनों मैंने 5.5 लिया है। ब्लाउज का चेस्ट का चौड़ाई मैंने यहाँ पे 10 इंच लिया और कमर का चौड़ाई 9.5 इंच लिया है। मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ और यहाँ नीचे से भी 3 इंच ले रही हूँ। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे। अब गाइज, इस पर हम बोट नेक का शेप दे देंगे। अब गले की टोटल लंबाई मैं यहाँ पे 10.5 इंच ले रही हूँ और यहाँ से मैं 3 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पे भी हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब गाइज, इस पर हम डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए गाइज, मैं इसको इस तरह का डिजाइन दे रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए गाइज, मैंने यहाँ पे अस्तर वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। मैं मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लूंगी। तो देखिए गाइज, मैंने यहाँ पे दोनों ही पार्ट की कटिंग बहुत अच्छे से कर ली है। चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, हमारा दूसरा ब्लाउज का डिजाइन पे बनके एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए गाइस, अब हम तीसरा ब्लाउज का डिजाइन बनाना सीखेंगे। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई 13 लिया है। शोल्डर और आर्म होल दोनों मैंने यहाँ पे 5.5 लिया है। ब्लाउज का चेस्ट का चौड़ाई मैंने यहाँ पे 9.5 लिया है और कमर का चौड़ाई मैंने यहाँ पे 9 इंच लिया है। मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ और यहाँ नीचे से मैं 3 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा बॉक्स बना लूंगी। अब गाइस, इस पर मैं बोट नेक का शेप दे दूंगी। अब गले की मैं टोटल लंबाई यहाँ पे 10 इंच ले रही हूँ और यहाँ से मैं 3 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पे भी हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब गाइस, यहाँ पर हम बीच में एक मार्क लगा लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे हम एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब इस पर हम डिजाइन का शेप देंगे बिल्कुल इसी तरह से। अब हम इसकी बहुत अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए गाइस, मैंने अपने अस्तर वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। मैं मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लूंगी। तो देखिए हमारा यहाँ पे दोनों ही पार्ट की कटिंग हो चुका है। तो चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, हमारा तीसरा ब्लाउज का डिजाइन भी बन के एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए गाइस, अब हम चौथा ब्लाउज का डिजाइन बनाना सीखेंगे। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई 13.5 लिया है। शोल्डर और आर्म होल दोनों मैंने 5.5 लिया है। ब्लाउज का चेस्ट हमारा 34 इंच का, तो 34 का चौथा विभाग 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ और यहाँ नीचे से भी मैं 3 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा बॉक्स बना लूंगी। अब गाइस, इस पर मैं बोट नेक का शेप दे दूंगी। अब गले की मैं टोटल लंबाई यहाँ पे 10.5 इंच ले रही हूँ और यहाँ से मैं 3 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पे भी मैं एक बॉक्स बना लूंगी। अब गाइस, यहाँ पर हमको 1/2 इंच पे इस तरह का एक मार्किंग लगाना है और यहाँ से ही हमको इस तरह का डिजाइन बनाना है। तो देखिए, हमने डिजाइन बना लिया है। अब मैं इसको अच्छे से कटिंग कर लूंगी। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे अस्तर वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। मैं मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लूंगी।
तो देखिए हमारा कटिंग एकदम कंप्लीट हो चुका है। चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस हमारा चौथा ब्लाउज का डिजाइन भी बन के एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस अगर आप लोगों को आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और राम राम।